और मैं कौशिक सर से जानना चाहूंगा। कौशिक सर, चाइना को डर लग रहा है बीजिंग ओलंपिक्स को लेकर। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सबने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। मैं बहुत बड़े फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे देश के, उनको कोट करता हूं और आप, आई एम सॉरी अगर मैं आपको थोड़ा आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, ब्रह्मा चेलानी ने यह सवाल खड़ा किया है कि कैसे हमारी सरकार बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का समर्थन कर रही है, कैसे हमारा इसरो जो है उसने ओपो के साथ टाई अप कर रखा है। योर टेक ऑन इट सर। देखो निशांत, मुझे नहीं लगता कि जो अभी जो हमारा समर्थन है वो बहुत लॉन्ग टर्म समर्थन होगा। ये चाइना जो बॉर्डर पर हमारे साथ जो कुछ कर रहा है, मुझे लगता है कि उससे उस बातचीत में हमारी ये करेंसी है कि हम उसको सपोर्ट अभी दे रहे हैं, लेकिन अगर उसकी उसकी हरकत नहीं बदली पीएलए की, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कमिटमेंट है ये लॉन्ग टर्म साबित होगा। क्योंकि रशिया उसके साथ है चाइना के और हम रशिया के दोस्त हैं, तो भारत ने ये जरूरी उचित समझा होगा कि अभी बीजिंग ओलंपिक के जो अखाड़े में जो कूटनीतिक खेल चल रहा है उसमें अभी चाइना के साथ खड़ा हुआ जाए। लेकिन भारत का फाइनल स्टैंड मुझे लगता है कि एलएसी पर जो घटनाक्रम होंगे अगले 2-3 महीने में होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि पेचिंग में हम लोग खेलने चले जाएं और वो हमारी सीमाओं पर खेलते रहें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे साथ अभी एक और हमारे खास यूके से एक और डॉक्टर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट हैं लूटन एंड डनस्टेबल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल यूके। अब जियो पॉलिटिक्स में डॉक्टर साहब का क्या रोल है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं, राहुल उसी ग्राफिक्स के साथ लीजिए, जो चीन को डर है। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी एज वी टॉक, अब से कुछ घंटे पहले यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि एक बहुत बड़ी वेव, थर्ड वेव कोरोना को लेकर, इंग्लैंड के आंकड़े तो आपको भली भांति पता है, वो जनवरी फरवरी में आ रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हाल टोक्यो में था, बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स एक बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है? निशान जी, आप सही कह रहे हैं। जैसे बढ़ रहा है यहाँ पे केसेस, आज का डाटा है 78,000 का। विंटर ओलंपिक में से केस डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर लोग बूस्टर डोज नहीं लेंगे तो हॉस्पिटल विल फ्लडेड विद द पेशेंट। सो रियली इट्स अ वेरी बैड टाइम फॉर द कंट्री। आप जो, यू आर क्वाइट राइट सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।